Hello guys, welcome to my channel. Please like and subscribe my channel. This is the evening time. तो मैं बच्चों के लिए एक रेसिपी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन का फर्स्ट वीडियो है जो मैं आज आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आई नो कि आप भी इसे अच्छे से बना लेते होंगे, बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है. तो मैं आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये सूजी का हलवा है. तो सूजी का हलवा जो मैं बनाने जा रही हूँ वो ईजी है. सबसे पहले हम सूजी ले लेंगे, जितनी भी आपको लेनी हो. तो मैंने हाफ कटोरी ली है, इसमें मैं मिल्क ऐड कर लूँगी. मिल्क को मिक्स कर लेंगे. और उधर मैंने अपनी जो गैस है उसे ऑन कर दिया है. इसमें मैं घी ऐड कर लूँगी. इसमें घी बहुत कम क्वांटिटी में लगेगा, ओनली 2 स्पून. अब जो हमारा घी मेल्ट हो गया है तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे. शुगर मैं 2 स्पून ऐड कर रही हूँ. अब हमने शुगर को इस घी में ही मेल्ट करना है. बस जब आपका ये शुगर मेल्ट हो गई तो समझो कि आपका हलवा रेडी. बीच में हम इसको भी हिलाते रहेंगे जो हमने सूजी को मिल्क में मिक्स किया हुआ है. इसे हमने बहुत, इसको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, इसको ब्राउन ही रहने देना है. बस गैस को थोड़ा लो हाई फ्लेम में कर देती हूँ. अब हमारी शुगर मेल्ट हो गई है. अब इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे और हम अपने सूजी ऐड कर देंगे. इसमें घी की भी कम ज़रूरत होती है, क्योंकि जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तो वो काफ़ी हो जाएगी. अब हम गैस को लो फ्लेम में कर देंगे, क्योंकि जब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे तो जल्दी जल्दी करना. ये देखिए, अब इसको काफी टाइम तक इसको ऐसे मिक्स करते रहना है जब तक कि हमारे ओरिजिनल हलवे की तरह ये ना बिकने लगे. हमारा रेडी हो गया है. अभी इसको थोड़ी सी और भूनते रहेंगे. ये वाइट नहीं रहना चाहिए, अगर वाइट रह गया है तो इसको हम और मिक्स करेंगे. ये देखिए, अब हमारा हलवा रेडी हो गया है. आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मेरे बच्चे बाकी की सिर्फ किशमिश ही लाइक करते हैं, तो इसलिए मैं उसमें किशमिश ही ऐड करूँगी. तो अब गैस को ऑफ कर देती हूँ एंड इसको मैं सर्व कर देती हूँ. ड्राई फ्रूट के साथ तो मेरा ये हलवा रेडी हो गया है. आप मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसे बनी है, मुझे कमेंट में जरा के जरूर बताइएगा. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा. थैंक यू.